जहां कुशीनगर में फेक करेंसी मामले में से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां मामले में बीजेपी का एक सदस्य जेल गया। रफी खान के साथ करता था कैशियर का काम। कुशीनगर फेक करेंसी मामले में से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां मामले में बीजेपी का एक सदस्य भी जेल गया। नियाजुद्दीन रफी खान के साथ काम करता था। पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। फेक करेंसी का सारा खेल रफी खान के साथ। कुरियर का एक काम करता था। तो फिलहाल कुशीनगर पुलिस ने धर दबोचा है ऐसे लोगों को जो कि फेक करेंसी का काम करते थे। देखिए, ये जखीरा जो है ये बरामद किया गया है। इससे पहले भी एक बड़ा मामला सामने आया था, आपने देखा ही होगा कि सपा जो नेता है वह इस तरह के काम करते थे, जिसके तार जो थे वो कहीं ना कहीं नेपाल से जुड़ना भी बताया गया था। तो 11 की गिरफ्तारी की गई है। फेक करेंसी का एक और मामला सामने आया। तो फिलहाल देखिए, पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 11 की गिरफ्तारी की गई है। फेक करेंसी का ये गोरख धंधा काफी लंबे वक्त से चल रहा था। देखिए, ये गोरख धंधा, इसका जो सिंडिकेट है वो इतना बड़ा था, इसके तार कहीं ना कहीं बिहार और उसके आसपास के क्षेत्र, चाहे नेपाल का जिक्र करते हैं, वहां तक जुड़ना बताया गया। कुशीनगर का पूरा मामला, जहां एक और आरोपी धर दबोचा गया है। तो फेक करेंसी के मामले में एक्शन हुआ है। बीजेपी का एक सदस्य भी इस बाबत जेल गया। नियाजुद्दीन को पुलिस ने जेल भेजा। नियाजुद्दीन का बीजेपी सक्रिय कार्यकर्ता माना जाता है। नियाजुद्दीन पर पहले से ही कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। आपको बता दें, मास्टरमाइंड रफी खान के साथ वो काम करता था। 23 सितंबर को ही 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। मामले में सपा कांग्रेस के लोगों का नाम भी जुड़ा है। केस में अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। तो फिलहाल देखिए, फेक करेंसी का पूरा मामला, जिसमें सपा नेता के साथ साथ अब एक बीजेपी नेता का नाम भी, जो बीजेपी कार्यकर्ता है, उसका नाम भी सामने आया है। हालांकि पुलिस ने इस बीच लगभग 11 लोगों को गिरफ्तार किया। तो पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। फेक करेंसी का ये खेल, एक और इसमें जेल गया है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीरज मिश्रा इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। नीरज, देखिए, ये गोरख धंधा काफी लंबे समय से चल रहा था, जो हम समझ पा रहे हैं। तब तक नाम सामने आए थे वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता के थे, जिसको लेकर बीजेपी हमलावर थी। और अब तो देखिए, बीजेपी का एक सक्रिय कार्यकर्ता ही इसमें संलिप्त पाया गया। देखिए, जिसका है कुशीनगर में यानी देश को आर्थिक साजिश चल रही, एक और व्यक्ति है, तो 11 लोग हैं। नियाजुद्दीन
जो कि आपके जो गैंग लीडर थे पार्टी है और आपका पार्टी का कार्यकर्ता तरह के जो भी लोग हैं वो राजनीतिक दल बढ़े रहते हैं। नीरज, हम आपसे वापस संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, आपकी आवाज ठीक हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। और देखिए ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, क्योंकि फेक करेंसी का ये पूरा मामला जब सामने आया तो सभी चौंक गए। देखिए बीजेपी का एक कार्यकर्ता इसमें संलिप्त पाया गया है, एक और इस बाबत जिसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। लंबे समय से ये तमाम लोग इस पूरे खेल में सक्रिय थे, पुलिस को इस बाबत बड़ी कामयाबी हासिल लगी, 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है, 11 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तो फिलहाल बड़ी खबर इस वक्त देखिए, समाजवादी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता थे तब सवाल खड़े हो रहे थे, अब बीजेपी का एक सक्रिय कार्यकर्ता भी गिरफ्तार किया गया है। तो 11 लोगों की इस बाबत गिरफ्तारी हो चुकी है। इस पूरे मामले को लेकर